आपका स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस के सामने का कॉरिडोर, यहाँ पर कॉरिडोर में आपके जो बीच में बॉक्स दिख रहा ये इंशाल्लाह आपका कॉरिडोर की लाइट रहती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको मेन डोर आता है, ये जो बीम दिख रहा बीम के बॉटम में आपको मेन डोर है, ओके, यानी कि आपके बड़े फ्लैट का, पीछे के फ्लैट का। फिर उसके बाद ये जो ड्रॉप दिख रहे हैं आपको ये वॉल पे, आपको इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये पॉइंट पे रहता। यहाँ पर पूरे तकरीबन आपको 8 सर्किट्स है और एक आपकी मेन सर्किट है, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर से अपने को आ रहा, ओके। फिर उसके बाद आप कमिंग फॉर द हॉल, तो यहाँ पर हॉल में देखिए आप 1, 2, 3 सीलिंग बॉक्स है, 2 फैन के लिए, 1 शैंडियर के लिए समझ सकते हैं आप, या फिर 3 फैन के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। और हर सीलिंग बॉक्स को आप देख सकते हैं ड्रॉप है, हर सीलिंग बॉक्स में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ड्रॉप है, यहाँ पर भी ड्रॉप है, यानी कि फिजिबल है, किधर भी आप स्विच बोर्ड प्लेस कर सकते हैं, ओके, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और यहाँ पर देखिए आप, ये जो है ना एसी का पॉइंट है, ओके, एग्जैक्टली विथ रिस्पेक्ट टू दिस सीलिंग फैन, यानी कि आखिरी का जो सीलिंग फैन है उसके बिल्कुल अपोजिट में आपको यहाँ पर एसी का पॉइंट है। आप एसी चाहे तो यहाँ पीछे के हिस्से में रख सकते हैं या तो फिर आप वो हिस्से में रख सकते हैं, फिजिबल है, बिकॉज आजकल इंडोर यूनिट्स में आप राइट साइड में भी इसको टर्न कर सकते हैं केबल को, लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं। और ये जो एसी का पाइप आ रहा ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेपरेट जा रहा है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, बिल्कुल सेपरेट है ये, इसमें कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं रहता आपको, ठीक है। फिर उसके बाद कमिंग फॉर द नेक्स्ट रूम, आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखिए आप, आपका ये बेडरूम हो गया जो बड़ा वाला बेडरूम है आपका, ओके, मास्टर बेडरूम। तो यहाँ पर अपन देखिए तकरीबन 3 सीलिंग बॉक्स रखे, 1, 2, 3 सीलिंग बॉक्स है, ओके। फिर उसके बाद ये आपका जो बाथरूम है, बाथरूम का ड्रॉप है, यानी कि गीजर के लिए सेपरेट लाइन है, ये देखिए आपको गीजर के लिए सेपरेट लाइन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। फिर कमिंग फॉर दिस, यहाँ पर देखिए आपका ये जो मेरे पैर के पास, अभी जो मेरे पैर के पास जो आपको ये कॉन्डिट दिख रहा है ये आपका एसी का है, सेपरेट लाइन एसी की है, और वो बालकनी की तरफ आ रहा आपने को ये, ठीक है। और ये सेम सीलिंग बॉक्स में से आपको बालकनी पे भी प्रोविजन दी है, 1 लाइट और 2 लाइट, ओके, बेसिकली इसके ऊपर के स्लैब्स में हम आपको ये लाइट का प्रोविजन आता है, यहाँ पर हम लोग दे दिए बिकॉज नीचे की जो बालकनी है वो सिर्फ 3 फीट्स की है, ओके, और यहाँ जो बालकनी है पूरा कवर करे आप लोग, ओके। फिर ये आपको बेडरूम का एक सीलिंग बॉक्स 2, ये सीलिंग बॉक्स 3 हो गया, ओके। फिर उसके बाद इसको इस तरफ ड्रॉप है। नेक्स्ट कमिंग फॉर द किचन, ये आपका किचन है, किचन के लिए आपको मेन सीलिंग बॉक्स है, फिर उसके बाद आपको वहाँ पर एक ड्रॉप है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक ड्रॉप है, फिर आप पीछे पीछे में आपको बालकनी है, ओके, फिर यहाँ पर किचन का एंड है ये। नेक्स्ट आप फिर उसके आइदर साइड मिलेंगे तो ये आपका कॉमन टॉयलेट है, ये देखिए आपको जो लाइन जा रही है बिल्कुल ये आपको कॉमन टॉयलेट है, इस तरफ आ रही है, ओके। तो इसके अपन 2 ड्रॉप्स ही है। नेक्स्ट कमिंग फॉर द नॉर्मल बेडरूम, ये आपका नॉर्मल बेडरूम है, ओके, और इसका जो एसी का पॉइंट है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल बीम के अंदर है, हिडन है बीम के अंदर, पीछे देखिए बीम के बिल्कुल वहाँ पर है, ओके। फिर उसके बाजू से और एक कॉन्डिट जा रहा वो मेरे सीलिंग बॉक्स के पास आ रहा, और देख सकते हैं आप सीलिंग बॉक्स में थोड़ा सा कॉर्नर में, यानी कि बेड के पोजीशन के हिसाब से लिया है, ओके। और इसके भी अपन 4 ड्रॉप्स ही है, ठीक है। ये पूरा क्लियर कट पिक्चर है आपके फर्स्ट फ्लैट का, यानी कि बड़े फ्लैट का। कॉलिंग जी भाई, अभी अपन फ्लैट 2 की बात करेंगे। ये आपका स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस के बाद आपको जो मेन डोर आ रहा बीम के नीचे, फिर उसके बाद उसके लेफ्ट साइड ऑफ द वॉल आपको यहाँ पर पूरे कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पॉइंट मिले। सेम यहाँ पर भी आपको 8 सर्किट्स मिल रहे हैं और आपको एक मेन सर्किट है जो आपको ग्राउंड फ्लोर से आ रहा है, ओके। तो अपन बिल्कुल अपने हॉल के उसके बैक साइड के हिस्से में जा रहे हैं, ओके। तो हॉल के बिल्कुल बैक साइड में से मेरे को आपको किचन मिलता, तो किचन का एक सीलिंग बॉक्स है, फिर उसके बाद जो बालकनी है और बालकनी की वॉल है, तो उसके लिए हम लोग 3 बॉक्सेस रखे यहाँ पर, ओके। फिर नेक्स्ट यहाँ पर किचन का ड्रॉप है, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको बेडरूम है, ओके। तो बेडरूम में आप देख सकते हैं एक सीलिंग बॉक्स है और ये सीलिंग बॉक्स सेंटर में नहीं है, आपके बेड के पोजीशन के हिसाब से ही है, ओके, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसको भी अपन 4 तरफ 4 ड्रॉप्स ही है, और एक एक मेन पाइप जा रहा, देखिए आप बीम के अंदर, वो आपका एसी का सेपरेट पाइप है, ये देखिए एसी का बिल्कुल एक सेपरेट पाइप जा रहा आपने पिया है, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसके पीछे आपको बालकनी है, तो बालकनी के लिए हम लोग एक डीप बॉक्स दिए, फिर उसके बाद उसका ड्रॉप दे दिया, फॉलोइंग, ओके, उसका बॉक्स और उसका एक ड्रॉप दे दिया। फिर नेक्स्ट कमिंग फॉर दिस रूम, ओके, आपका जो मेन हॉल है, ओके, तो मेन हॉल रहा इस तरफ, तो ये आपका सीलिंग बॉक्स 1, ये आपका सीलिंग बॉक्स 2, और ये क्या रहा आपका सीलिंग बॉक्स 3, ये आपके 3 सीलिंग बॉक्स है। और इसके बाजू में आपको राइट साइड में देख सकते हैं एक पाइप जा रहा जो बिल्कुल आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आ रहा, यानी कि ये एसी की सर्किट है, ओके, इसमें आपको एसी का सर्किट आता है, एक है आपको लाइट्स फैंस के लिए, यानी कि लाइटिंग बोर्ड के लिए, एक है आपको एयर कंडीशन के लिए, ओके। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से और एक अपन
सर्किट के लिए अपन जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू माई नॉर्मल बेडरूम, ये आपका नॉर्मल बेडरूम है तो इसका भी फैन का पॉइंट ये है, ओके। उसके बाद इसके फोर ड्रॉप्स हैं ऑन द अदर साइड्स, ओके। फिर उसके बाद उसके पीछे आपने को बालकनी है, फिर उसके बाद उसका अटैच टॉयलेट है, ओके। और ये इसका कॉमन टॉयलेट है, तो कॉमन टॉयलेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके। यहाँ पर एक डीप बॉक्स है, यहाँ पर एक डीप बॉक्स है, इसका सेंटर ऑफ द टॉयलेट रूम है, ओके। ये वाला जो है ये सेंटर ऑफ द टॉयलेट है, ये वाला जो है वॉल के ऊपर के हिस्से में आता है, ओके। और ये एक लॉबी टाइप है समझो आपको, ये बीच के हिस्से में, तो उसके लिए हम लोग ऐसा परमिशन था। तो बहरहाल पूरा कंप्लीट काम ठीक ही है, मुश्किल नहीं है, कुछ रिमार्क्स है मेरे तरफ से भी, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टू स्लैब में इंशाल्लाह अपन इसको ओवरकम कर सकते हैं।